एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो अपने मन की बात कहने में कभी नहीं कतराती हैं। ऐसा ही कुछ उन्होंने इस बार भी किया। दरअसल कंगना को उनकी फिल्म तेजस के लिए ट्रोल किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स उन्हें निशाना बनाते हुए कह रहे हैं कि हम आपकी फिल्म तेजस देखने नहीं जाने वाले। इस बार कंगना ने सोशल मीडिया के जरिए उन ट्रोलर्स को जवाब दे दिया है। हाल ही में कंगना ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को थिएटर में जाकर उनकी फिल्म तेजस देखने की अपील की। जरा आप भी देखिए। हमारी फिल्म तेजस सिनेमा घरों में आई है और जिन्होंने भी ये फिल्म देखी है बहुत सराहना और हमें बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कोविड के बाद हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाई है। 99% फिल्मों को ऑडियंस चांस भी नहीं देते हैं। मैं जानती हूँ इस आधुनिक दौर में हर एक के पास अपना मोबाइल फोन है और घर में टीवी है, लेकिन कम्युनिटी व्यूइंग थिएटर जो है हमारी सिविलाइजेशन का एक बहुत अहम हिस्सा बहुत शुरू से है। नृत्य, कला, कथकली और हर तरह का फोक डांस, फोकलोर्स, नाटक, ये हमारी कम्युनिटी लाइफ के, सोशल लाइफ के बहुत अहम हिस्से रहे हैं। तो दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खासकर मल्टीप्लेक्स की ऑडियंसेस से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने पहले उरी, मैरी कॉम, नीरजा जैसी फिल्मों का आनंद उठाया है तो आपको तेजस भी बहुत पसंद आएगी। जय हिंद। अब आपने सुना, कंगना ने कहा उनकी फिल्म तेजस बॉक्स ऑफिस पर कमाल इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि कोविड के बाद बॉलीवुड को लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन शायद कंगना ये भूल गईं कि जवान, पठान, गदर 2 भी बॉलीवुड में ही बनी है। अब फिल्म ना चलने का बहाना कंगना इससे बेहतर दे सकती थी। वहीं सोशल मीडिया पर भी इस वीडियो के बाद कंगना को बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है और ट्रोलर्स उन्हें रोस्ट करते नजर आ रहे हैं। एक यूजर ने जब कंगना को ट्रोल किया तब उसके जवाब में कंगना ने लिखा, जिन लोगों ने भी मेरे लिए बुरा विश किया है उनकी जिंदगी नरक हो जाएगी क्योंकि वो हर दिन मुझे ऊंचा उठते देखेंगे। मैंने 15 साल की उम्र में घर छोड़ा था, तब मेरे पास कुछ नहीं था। मैं लगातार अपनी किस्मत खुद लिख रही हूँ और इसके बहुत प्रूफ हैं कि महिला सशक्तिकरण और इस देश के लिए मैं कुछ करने के लिए बनी हूँ। उन लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए मैं चाहूंगी कि वो मेरा फैन क्लब ज्वाइन करें। मैं चाहती हूँ कि मेरे वेल विशर्स ऐसे लोग के प्रति भी अच्छा व्यवहार रखें और उन्हें रास्ता दिखाएं। अब ट्रोलर्स के बीच साउथ इंडस्ट्री के एक्टर प्रकाश राज भी आ गए। उन्होंने इस बात पर कंगना को एक अच्छा जवाब देते हुए कहा कि इंडिया को 2014 में आजादी मिली है, थोड़ा इंतजार कीजिए, धीरे धीरे सब बदल जाएगा। इसका जवाब अभी तक कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना ने नहीं दिया है। वहीं आपको बताएं, फिल्म तेजस ने पहले दिन 1.25 करोड़ की ओपनिंग की थी, उसके दूसरे दिन 1.31 करोड़ तक की कमाई भी की थी, लेकिन दो दिनों के कलेक्शन में फिल्म तेजस सिर्फ 4.06 करोड़ की कमाई ही कर पाई है। अब आपको ये फिल्म कितनी पसंद आई है या आप ये फिल्म देखना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देखते रहें ENT Live।